बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टूर करने आए हैं 3 bed 2700 square feet के अपार्टमेंट का, जो कि मेन GT रोड पर लोकेटेड है। आप सामने ये खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं, मिनारा टावर जिसका नाम है। अगर आप टूवर्ड्स रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं तो सवा अड्डे की लोकेशन पर जो है उससे थोड़ा सा आगे जो है वो आपको ये बिल्कुल GT रोड के मेन जो है वो आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो ये बिल्डिंग मिलेगी। 16 फ्लोर्स की ये टोटल बिल्डिंग है। फोर फ्लोर्स हैं वो इसके नीचे जो है वो पार्किंग के डिज़ाइन किए गए हैं। पार्किंग अवेलेबल है रेजिडेंशियल जिनके अपार्टमेंट हैं उनके लिए। और आप इन टावर्स का फ्रंट एलिवेशन भी खूबसूरत चेक कर रहे हैं। मिनारा जो है वो इसका नाम है। जिस अपार्टमेंट का हम टूर करने जा रहे हैं वो 2700 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है। इसके फोर्थ फ्लोर पे लोकेटेड है। 4 टावर्स हैं इस बिल्डिंग के और ये फोर्थ नंबर के टावर में जो है वो हमारा अपार्टमेंट मौजूद है। हम मज़ीद चलेंगे अंदर, इसकी प्राइस और विज़िट और टोटल जो है वो तमाम डिटेल्स अपार्टमेंट की जो है वो मैं इसी वीडियो के दौरान ही शेयर करूँगा। काइंडली आप विज़िट के आप वीडियो के साथ ही जुड़े रहिएगा, तमाम डिटेल्स हम इसी वीडियो में शेयर करेंगे। उस मेन एंट्रेंस से एंटर हुए हम रिसेप्शन की तरफ मूव होंगे। खूबसूरत आप देख सकते हैं इन टावर्स का जो है वो रिसेप्शन डिज़ाइन किया गया है। ख्याल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस के बिल्डर्स हैं इस बिल्डिंग के, और मिनारा जो है वो इस टावर्स का नाम है। आप लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं, इस साइड पे दो टावर्स के रास्ते हैं, और राइट साइड चेक कर रहे हैं यहाँ पर भी टावर्स के रास्ते हैं। खूबसूरत आप इसका रिसेप्शन एरिया चेक कर रहे हैं। जी रिसेप्शन की तरफ आपने चेक किया इसका कंप्लीट। अब मैं आपको लेके चलूँगा इसकी जो है वो एक्सेस की तरफ, टावर नंबर 4 की तरफ हम मूव होते हैं और लिफ्ट लेंगे हम, और लिफ्ट से जो है वो हम फोर्थ फ्लोर की तरफ मूव होते हैं। जी बस नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ मूव होते हैं। ये बिल्डिंग नंबर 3 टावर नंबर 3 है और ये वाला जो है टावर नंबर 4 है। जी इस टाइम जो है लिफ्ट मौजूद है, जी फ्लोर में हम एंटर होते हैं लिफ्ट में और फोर्थ के लिए मूव होते हैं, ये आप देख सकते हैं। जी बस जी, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फिर जो है वो फोर्थ। जी फोर्थ फ्लोर पे हम आ चुके हैं। जी वर्स बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये जो है वो अपार्टमेंट की एंट्रेंस। जी वर्स अपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो ये अपार्टमेंट का मेन डोर है। मेन डोर से एंटर होते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल जो है वो ये आप देख सकते हैं पैसेज एरिया सामने भी मौजूद है, और लेफ्ट साइड पे भी आप चेक कर सकते हैं ये पैसेज एरिया है जो कि बेडरूम्स को कनेक्ट कर रहा है। इधर बेडरूम की अकोमोडेशन है और बिल्कुल सामने जो है वो TV लाउंज की अकोमोडेशन है, लिविंग एरिया की है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो ये वाशरूम का एरिया मिलेगा, जिसे आप पाउडर रूम भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कम्प्लीटली इसमें जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है। कमोड यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं वॉश बेसिन यहाँ पे मौजूद है। नीचे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली टाइल वर्क हुआ हुआ है। ऊपर खूबसूरत आप इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिविंग की तरफ मूव होते हैं। लिविंग में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं इसका फ्लोरिंग जो है वो इसकी कम्प्लीटली वुडन फ्लोरिंग है। सामने वेंटिलेशन विंडो आ गई है और आप देख सकते हैं इसमें 3 साइड वेंटिलेशन विंडो है। ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पे मौजूद है, AC के जो है वो एयरकॉन के यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। ऊपर फानूस का भी कनेक्शन मौजूद है, वो जो भी बायर इसे बाय करेगा तो वो खुद इसे जो है वो फर्दर वो इसकी रेनोवेशन कर सकता है। फानूस और AC वगैरह का जो चीज़ें हैं वो खुद करेगा। बैक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा टेरेस का एरिया है, मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ। जी ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइल वर्क हुआ हुआ है। लिविंग एरिया की स्पेस आप चेक कर सकते हैं। टोटल अगर इस एरिया की बात करें पूरे अपार्टमेंट की तो 2700 स्क्वायर फुट का ये अपार्टमेंट है। 3 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। फोर्थ फ्लोर है, मिनारा टावर नंबर 401 टावर 4 है। अब हम चलते हैं बेडरूम्स की अकोमोडेशन की तरफ। 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, और आप सबसे पहले इसका किचन चेक करेंगे हम। बड़े साइज़ का ओपन किचन आप देख सकते हैं डिज़ाइन किया गया है। नीचे कम्प्लीटली जो है वो टाइल वर्क है। काउंटर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट जो है वो मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन की कबर्ड्स यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं। सिंक आप देख सकते हैं, और फर्दर हम इस साइड पे देखेंगे
तो बर्नर यहाँ पे अवेलेबल है और बर्नर के ऊपर व्यूअर्स आप इसका खूबसूरत रेंज हुड चेक कर सकते हैं। दूसरे एंगल से मैं आपको किचन चेक करवा देता हूँ। जी ओपन किचन हो गया। आप इस साइड पे आप देख सकते हैं स्पेस यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे पॉइंट्स मौजूद हैं। और इस साइड पे जो है व्यूअर्स आप ऑटोमेटिक जो है वो आप फ्रंट लोड जो है वो वॉशिंग मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पानी के पॉइंट्स दिए गए हैं और बिजली का भी यहाँ पे पॉइंट्स मौजूद है। ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है व्यूअर्स, कंपनी ने जो है वो करीब ही में जो है वो इसको ओनर को जो है वो डिलीवर्ड किया। तो बेडरूम्स की अकोमोडेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेड फर्स्ट हो गया, बेड फर्स्ट में हम एंटर हुए तो आप देख सकते हैं नीचे कम्प्लीटली टाइल वर्क है, ऊपर खूबसूरत वेंटिलेशन, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है, सामने बड़े साइज की वेंटिलेशन विंडो आ गई है। जी यहाँ पे भी एक छोटा सा टेरेस है, छोटी सी स्पेस है खड़े होने के लिए। जी और इस साइड पे आप देख लें कबर्ड्स मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप रेंट को आप इस अपार्टमेंट को बाय करके फुली फर्निश आप इसे इंटीरियर इसका डिज़ाइन करके रेंट आउट कर सकते हैं। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं ऑनलाइन जो है वो आप जो है वो एप्लीकेशंस पे जो है वो लिस्ट कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट को रेंट आउट करने के लिए। बेड फर्स्ट का विजिट हो गया, अगेन हम निकले पैसेज एरिया में और सेकेंड बेडरूम की तरफ मूव होते हैं। जी खूबसूरत डोर डिज़ाइन, एंटर हुए तो ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आप देखेंगे, नीचे आप टाइल वर्क देख सकते हैं, सामने वेंटिलेशन विंडो है। तमाम एरियाज में व्यूअर्स आपने देखा वेंटिलेशन विंडोज मौजूद हैं। इस साइड पे आप देख लें कबर्ड्स आ गई हैं और कबर्ड्स के साथ जो है वो इस बेडरूम का अटैच वाशरूम आ गया। कंप्लीटली टाइल वर्क है वाशरूम में। सेकेंड बेडरूम हो गया व्यूअर्स, लास्ट में हम टूर करते हैं इसका थर्ड बेडरूम। आपको जो है वो पूरा एक इसमें आप देख सकते हैं आपको एक घर की लुक आ रही है। थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ इसको डिजाइन किया गया। जी ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है, वेंटिलेशन विंडो आ गई है, नीचे खूबसूरत आप टाइल वर्क देख सकते हैं। जी कबर्ड्स एरिया, जी ये कबर्ड्स हो गई हैं और साथ में जो है वो इसका लास्ट एंड थर्ड बेडरूम का अटैच वॉशरूम हो गया। कंप्लीटली इसमें टाइल वर्क है। जी तो व्यूअर्स ये हो गया थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ इस अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट। व्यूअर्स अगर हम इस अपार्टमेंट की प्राइस की बात करें तो 2700 स्क्वायर फुट के जो अपार्टमेंट है थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ इसकी जो प्राइस है वो 3 करोड़ है। ये आस्किंग प्राइस है, निगोशिएबल है। आप दिए गए सेल नंबर्स पे कांटेक्ट करके मजीद इंफॉर्मेशन और विजिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।